नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे कि आप अपना कॉन्फिडेंस किस तरह से बढ़ा सकते हैं। कई लोग जो होते हैं वो फियर ऑफ फेलियर के कारण अपना जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन कर लेते हैं, या आप कोई भी चीज़ इसके अंदर ले सकते हैं कि जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है कई जो व्यक्ति होते हैं उनका काफ़ी लो होता है, तो वो किस तरह से अपना जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ा सकते हैं। हम आज छोटी छोटी टर्म डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आप इन बातों को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली क्या होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है राइज होगा, तो हम इसको श्योरली कह सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कॉन्फिडेंस लो क्यों होता है लोगों का। देखिए, सबसे ज़्यादा जो डर होता है किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को, वो होता है फियर ऑफ फेलियर, यानी कि हारने का डर। तो अगर वो डरता है कि मैं हार जाऊंगा, पहले ही काम करने से पहले वो अपनी थिंकिंग करता है, नेगेटिव थिंकिंग करता है कि मैं हार जाऊंगा। तो देखिए, दिमाग क्या है, दिमाग एक पेड़ की तरह है। जिस तरह से आप एक बीज गिराते हैं, उस बीज से आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। एक बीज, मान लीजिए आप किसी फ्रूट का एक बीज लगाते हैं, तो वो आप जो पेड़ बनता है, पेड़ बनके उसकी शाखाएं बनती हैं, शाखाएं बनके उनके ऊपर फ्रूट लगते हैं। इसी तरह से हमारा दिमाग होता है, आप इसके अंदर अगर नेगेटिव फीड डालेंगे, आप एक नेगेटिव इसको बीज देंगे, तो क्या होगा, नेगेटिव बीज देंगे, नेगेटिव बीज ही वो पेड़ बनेगा और उसी पेड़ के ऊपर फल लगेंगे। तो आपको कौन से फल मिलेंगे, नेगेटिव थॉट के ही फल मिलेंगे। तो अगर आप फियर ऑफ फेलियर को पालते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा, आपका जो पेड़ बनेगा वो फियर ऑफ फेलियर का ही बनेगा। आपका डर इतना बड़ा हो जाएगा, इतना मल्टीप्लाई हो जाएगा कि आप उसको सोच भी नहीं पाएंगे और वो आपको कोई भी काम करने से रोकेगा। तो सबसे पहले जो ज़रूरी बात है कि यहाँ पे जो आपको फीडिंग करनी है, अपने दिमाग में जो आपको फीडिंग करनी है वो पॉजिटिव फीड करनी है, फियर ऑफ फेलियर नहीं, सक्सेस की फीडिंग करनी है। अगर आप फेलियर का बीज बोओगे तो आपको फेलियर मिलेगा, लेकिन अगर आप सक्सेस का बीज बोओगे, तो ये मैं नहीं कह रहा कि पहली बार में आपको सक्सेस मिलेगी। यहाँ पे सक्सेस का बीज आप बोएंगे तो फेलियर के बाद आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। फेलियर आपको मिलेगा ज़रूर, लेकिन सक्सेस भी आपको ज़रूर मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो आपने अपने दिमाग के अंदर बीज जो बोया है वो कौन सा बोया है, सक्सेस का। आप फेलियर से नहीं डरते, फेलियर जितने भी होंगे वो आपको सिखाने के लिए होंगे, और उनसे आप सीखते हुए, एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए आप सक्सेस को प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको अपने अंदर से क्या निकालना है, फियर ऑफ फेलियर निकालना है। अपनी जो फीडिंग है दिमाग की, वो फियर ऑफ फेलियर से हटा के सक्सेस रिलेटेड फीडिंग करनी है। तो सबसे पहले इसके लिए, अगर आप अभी भी फियर ऑफ फेलियर में हैं, अभी भी आपका कॉन्फिडेंस लो है, तो सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले आपको सिर्फ क्या करना है, सुबह उठना है और सुबह उठ के आँखें बंद करके भगवान को प्रे करनी है, इस प्रकृति को प्रे करनी है। अगर आप भगवान को नहीं मानते तो इस प्रकृति को प्रे करनी है, क्योंकि प्रकृति जो है आपको जीवन देती है, हवा, पानी, अग्नि, ये जो आपकी भूमि है जिसके ऊपर आप चलते हैं, आकाश, ये जो पांचों तत्व हैं, यही तो हमारे भगवान हैं। अगर आप इनकी सुबह उठ के आप हाथ जोड़ के आंखें बंद करके इस प्रकृति को, इसके ग्रेटफुल होते हैं, इसके थैंकफुल होते हैं, आप इसको धन्यवाद करते हैं कि जो प्रकृति है उसने मुझे एक नया जीवन दिया है, और ये हर जो मेरे बॉडी का हर एक पार्ट है इसको ये एनर्जी देती है काम करने के लिए, हमें दिमाग में सोचने के लिए एनर्जी देती है, तो हमें इसका ग्रेटफुल होना चाहिए। पहला काम अगर ये करना स्टार्ट कर दें आप, कि आप ग्रेटफुल हो जाएं अपने भगवान के प्रति, अपने इष्ट देव के प्रति या प्रकृति के प्रति, अगर आप कुछ भी नहीं मानते, तो सबसे पहला ये जो स्टेप होगा जो आपके अपने कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जिन तत्वों को आप मान रहे हैं, जिनके आप ग्रेटफुल हो रहे हैं, जिनके आभारी हो रहे हैं जिन भगवान के, तो वो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देना स्टार्ट करेंगे। ये एक पॉजिटिव एनर्जी का एनवायरनमेंट आपकी तरफ क्रिएट करेंगे, आपकी बॉडी के अंदर क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहला जो है स्टेप ये है कि आप ग्रेटफुल हों, जो भी आपके पास आज है आप उसके लिए ग्रेटफुल हों। आप उन चीज़ों को मत देखें जो आपके पास नहीं है, जो आपके पास हैं उन चीज़ों के लिए आप ग्रेटफुल होना सीखें। तो पहला पॉइंट यही रहेगा कि सुबह उठते ही आप ग्रेटफुल हों, आप प्रेयर करें और भगवान को कहें कि आपने जो ये जीवन दिया है और इसके अंदर जो आपकी ये प्रकृति है, आपने जो बनाई है, तो उसका मैं ग्रेटफुल हूँ, मैं थैंकफुल हूँ।
दूसरा आपको काम क्या करना है, आपको रेगुलरली योग करना है, मेडिटेशन करना है। 10 से 15 मिनट का ही मेडिटेशन स्टार्टिंग में बहुत है, और हद से हद आप आधे घंटे तक उसको ले जाएं। ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको दो दो घंटे तीन तीन घंटे बैठना है। 2 मिनट से आप स्टार्ट करें डेली, आप मेडिटेशन करें, उठ के आप थोड़ा योग करें, 2 योग आपके बहुत होते हैं जो स्वास्थ्य रिलेटेड होते हैं, और फिर उसके बाद थोड़ा मेडिटेशन करें और थोड़ी एक्सरसाइज करें। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अपना ख्याल रखना स्टार्ट कर देते हैं तो जो सारी यूनिवर्स की एनर्जी है वो भी आपका ख्याल रखना स्टार्ट कर देती है। आपके अंदर की जो थिंकिंग है, जो नेगेटिव थिंकिंग है, वो बाहर आती है और पॉजिटिव थिंकिंग आपके अंदर फीड होना स्टार्ट हो जाती है। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये रहेगा कि आप अपने आप को समय दें, क्योंकि जब आप अपने आप को ही समय नहीं देंगे किसी काम के लिए, तो आप ऐसे किस तरह से सोच सकते हैं कि दूसरा आपको समय देगा आपके काम के लिए। तो आप सबसे पहले अपने आप को समय दें, सुबह उठें, थोड़ी देर मेडिटेट करें, थोड़ी सी एक्सरसाइज करें। ये सारा काम आपका लगभग आधे से 1 घंटे का होता है, ज़्यादा नहीं होता। तो 1 घंटा तो आप अपने आप को डेली दे सकते हैं। तो दूसरा काम आप ये करें, आप खुद ही देखेंगे 1 महीने के अंदर अंदर जो आपकी थिंकिंग है वह पॉजिटिव होना स्टार्ट हो गई है। जो तीसरा काम आपको करना है, आप अपने आप को क्लीन रखिए, यानी कि जो डेली का आपका रूटीन होगा, आप सुबह उठेंगे, ग्रेटफुल प्रेयर करेंगे भगवान से, एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, उसके बाद आप जो है अपनी बॉडी को क्लीन करेंगे, यानी कि आप क्या करेंगे, ब्रश करेंगे, नहाएंगे और शेव करेंगे, साफ सुथरे आप रहेंगे। क्योंकि जब भी आप अपने आप को आईने में देखेंगे, मिरर में देखेंगे, तो आपको एक पॉजिटिव इमेज दिखेगी। अगर आप क्या है साफ़ सुथरे नहीं रहते, तो आप जब आप अपने आप को आईने में देखेंगे तो नेगेटिव जो फीडिंग है वो दोबारा होनी स्टार्ट होगी। क्यों? क्योंकि वो भी एक रिमाइंडर है। जब अपने आप को आप शीशे में देखते हैं तो वो रिमाइंड आपको करवाता है कि आप क्या है किसी काबिल नहीं है, आपका जो कॉन्फिडेंस है कुछ भी नहीं है, आप दोबारा से फेल हो जाएंगे। तो इसीलिए साफ सुथरे रहें, ड्रेस सेंस अपनी अच्छी रखें, जो आपको अच्छी लगती है वो आप पहनें। आप जो फिर जो बात आती है खाने की, आप खाना ऐसा खाएं जो शुद्ध हो, जो शाकाहार से रिलेटेड भोजन हो, तो वो आप खाएं। क्यों? क्योंकि ये भी आपके अंदर पॉजिटिव फीडिंग करता है। क्यों? जैसा खाएं अन्न वैसा रहे मन, जैसा कि हम बोलते हैं कि जैसा अन्न आप खाते हैं वैसा आपका मन बनता है। अगर आप फास्ट फूड खाते हैं, आप जो है नॉन वेज खाते हैं, तो उससे क्या होता है, आपके अंदर उत्तेजिता आती है, आपके अंदर गुस्सा बढ़ता है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बढ़ती हैं। तो आप जो अपना खाना है बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी रखें, उससे भी क्या होगा, यानी कि अपनी डाइट को मेंटेन रखें। आप हरी सब्जियां खाएं, सलाद खाएं, फ्रूट्स खाएं, जूस पिएं, उससे क्या होगा, आपकी बॉडी ठीक रहेगी और आपकी थिंकिंग भी ठीक रहेगी। क्योंकि आपके बॉडी के साथ साथ आपकी थिंकिंग जो है वो बनती रहती है। जैसे आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आप सोचेंगे भी स्वस्थ ही। तो खाएं बढ़िया, तो ये भी आप ध्यान रखें। उसके बाद आपने रूटीन स्टार्ट करने से पहले आधे घंटे के लिए या कभी भी दिन में, जब भी आपको लगता है कि आपके पास समय है अपने काम करने के बाद, तो मोटिवेशनल बुक जरूर पढ़ें। कोई ना कोई मोटिवेशनल, कोई बायोग्राफी आप अच्छी रखें अपने पास। देखिए, इस तरह की जो हमारे देश के अंदर इतने बड़े बड़े लोग हुए हैं, इतने जो उनकी जो सोच थी कितनी अच्छी थी, जैसे स्वामी विवेकानंद जी हैं, उनके विचारों की बुक पढ़िए, उनकी जो बायोग्राफी है वो पढ़िए, वो आपको प्रेरित करेंगे आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। क्योंकि जब वो लोग इतना आगे तक पहुंच सकते हैं तो आप क्यों नहीं पहुंच सकते, वो आपको प्रेरित करेंगी। मोटिवेशनल बुक आप अपने पास हमेशा रखें और उसको पढ़ते रहें। रोज 1 या 2 पेज आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि 2 दिन में आपको खत्म करनी है। 1 या 2 पेज आप पढ़ के चलें और अपनी रूटीन स्टार्ट करें, या जब भी आपको समय लगता है ज़रूर पढ़ें। क्योंकि दिन के समय जब भी आप उसको पढ़ेंगे तो आपके अंदर पॉजिटिव फीडिंग होगी, नेगेटिव चीज़ों से आप बचें। टीवी, न्यूज़, जो आपके फेसबुक, व्हाट्सएप, इस तरह का जो आपका टाइम कंज्यूम करते हैं और नेगेटिव फीडिंग आपके अंदर करते हैं, उन चीज़ों से बचें। अपना समय वहाँ लगाएं जो आपको कुछ बेनिफिट देगा, अपना समय वहाँ ना लगाएं जो इस तरह के रिमाइंड आपको बार बार करवाएंगे कि क्या क्या चल रहा है इस दुनिया में, क्या क्या हो रहा है। आप अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी फीडिंग को अच्छा करें, नेगेटिव एनवायरनमेंट से बचें। जहाँ भी आपकी जो संगत है अगर वो नेगेटिव है तो उससे भी बचें। मोटिवेशनल बुक को अपना फ्रेंड बनाएं और इस तरह से जो आपकी सारी सराउंडिंग है पॉजिटिव कर लें, तो आपके अंदर पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव जो एनवायरनमेंट जो आपके चारों तरफ है बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आप काम करें। उसके बाद देखिए, ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको अपने खुद के रूल बनाने होंगे।
कि आप किन चीज़ों को अवॉइड करेंगे, क्या चीज़ आप खाएंगे, क्या चीज़ आप पिएंगे और किन चीज़ों से बच के रहेंगे। तो ये सारे रूल आपको खुद अपने लिए बनाने होंगे, ये आपके लिए कोई नहीं बनाएगा। कहाँ आपको क्या काम करना है, किसके साथ आपको बात करनी है, किसके साथ आपको बैठना है, कैसा एनवायरनमेंट आपको चाहिए, पॉजिटिव चाहिए नेगेटिव चाहिए, आपको अपने रूल खुद बनाने होंगे अगर आपको सक्सेस चाहिए ज़िंदगी के अंदर। और लो कॉन्फिडेंस से अगर आप बाहर आना चाहते हैं तो अपने रूल खुद बनाएं और अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाएं। आप नो भी किसी को कह सकते हो, और अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो यस आप ज़रूर करेंगे, चाहे कोई भी आपको नो कहता रहे कि आप ये नहीं कर सकते। तो अपने रूल खुद बनाना सीखें, तो अपने रूल बनाएं। उसके बाद देखिए, आप जो पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर लेंगे, अपने रूल खुद बना लेंगे, इस तरह की रूटीन आपकी हो जाएगा, तो स्मॉल स्टेप लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने बड़ा गोल चूज कर लिया। और आप क्या करें, अपने जो गोल हैं उनके लिए स्मॉल स्टेप बनाएं। स्मॉल स्टेप यानी कि एक छोटे छोटे गोल बनाएं जिनको आप अचीव करते चलें। जब आप पहला स्टेप अचीव करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस राइज होगा, जब दूसरा स्टेप अचीव करेंगे तो और कॉन्फिडेंस राइज होगा। इस तरह से छोटे छोटे स्टेप के अंदर अपने गोल को डिवाइड कर लें और उसको आप प्राप्त करते चलें। जहाँ पर आप फेल होते हैं कोई बात नहीं, वो छोटा ही स्टेप था, आप छोटा ही फेल हुए हैं, थोड़ा ही फेल हुए हैं, फिर से आप रिपीट कीजिए, फिर से आप उसको पास कर सकते हैं। तो छोटे छोटे गोल बनाइए ताकि आप उनको आसानी से अचीव कर सकें और अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है उसको इंक्रीज करते रहें इस तरह से। और जो लास्ट बात मैं कहना चाहूंगा आपको कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखिए। आप किस कारण से फेल हुए हैं, चाहे वो एग्ज़ाम था, चाहे पेपर था, चाहे लाइफ का कोई काम था, चाहे कोई भी चीज़ थी, जहाँ पे भी आप फेल हुए हैं तो क्या आपने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली है, या आप कहते हैं कि मैं उसके कारण फेल हुआ। किसी भी चीज़ों को, परिस्थितियों को आप रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं लेकिन अपने आप को नहीं ठहराते। ये सबसे बड़ी बात है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखिए कि मैं अपने कारण से फेल हुआ हूँ। तो आप क्या करेंगे, आपका दिमाग क्या करेगा, आपके लिए सोचना स्टार्ट करेगा कि क्यों फेल हुआ हूँ, क्या मेरी गलती रही है। उन गलतियों को देखें, उन गलतियों से सीखें और फिर आगे बढ़ें। जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, अपने आपने काम खुद किया है, फेल आप हुए हैं, कौन हुआ है, तो आप ही फेल हुए हैं, आप ही सक्सेस होंगे तो और कौन होगा आपके साथ। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लीजिए, क्योंकि जब आप सक्सेस होंगे तो आप ये कहेंगे मैंने मेहनत की है, लेकिन जब आप फेल होते हैं तब आप कहते हैं कि मैं औरों के कारण फेल हुआ हूं। तो इसीलिए जब फेलियर होती है तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि मैं अपने कारण फेल हुआ हूं, अपनी गलतियों को सुधारूंगा और दोबारा ट्राई करूंगा और दोबारा मैं पास होऊंगा या सक्सेस प्राप्त करूंगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़ी चीज है। अगर इन पॉइंट्स को आप ध्यान से और इनको रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो एक महीने के अंदर आप अपने पर्सनैलिटी के अंदर और अपने विचारों के अंदर तब्दीली देख सकते हैं। पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखिए और ये सारे काम कीजिए, आपको सक्सेस लेने से और आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होने से कोई नहीं रोक सकता। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज्यादा अपडेटेड वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।